वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एग्जैक्टली एनालिसिस करेंगे कि ये जो पेजर अटैक हुआ था इसमें एग्जैक्टली क्या यूज़ हुआ था या फिर कैसे ये अटैक इसराइल ने प्लान किया और इसमें सक्सेसफुल हुआ। इसको लेके मैं पहले भी चैनल में वीडियो बनाया हूँ, अगर आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। प्रेजेंटली बहुत सारा नया इन्फॉर्मेशन भी आउट हुआ है इसको लेके, तो इसको लेके आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा, क्या आपको पता है कि PETN क्या है, ये PETN क्या है या फिर इसके साथ ये पेजर अटैक का क्या कनेक्शन है, ये आपको वीडियो में आगे जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेजर अटैक का वीडियो। अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली हमास जो है वो बहुत ही ठंडा पड़ गया है। गाजा का जो वार है उसमें ऑब्वियसली इसराइल अपने तरफ से लड़ रहा है, ऑन द अदर साइड जो गाजा के लीडर्स थे या फिर जो हमास के लीडर्स थे वो अभी पूरा शांत पड़ गए, और इसराइल अभी जो कंसंट्रेट कर रहे हैं वो है हिजबुल्ला पे। और हो सकता है कि आगे जाके जब हिजबुल्ला भी निपट जाएगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसराइल का जो मतलब ध्यान है वो जाएगा आपका वेस्ट बैंक पे। तो अभी क्या होगा नहीं होगा ये डिपेंड करता है इन फ्यूचर, मगर प्रेजेंटली ये जो अटैक हुआ था कुछ दिन पहले ही जो हिजबुल्ला के ऊपर हुआ था पेजर अटैक, नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट अटैक है अभी तक अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री में देखें, क्योंकि इस लेवल पे प्लानिंग करना, उसको एग्जीक्यूट करना ये इतना इजी बात नहीं है। इसराइल है इसलिए ये पॉसिबल है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, दूसरा कंट्री हमेशा कंसंट्रेट करता है कि भाई हम लोग के पास जो बॉम्ब है उसको हम लोग और भी पावरफुल करते हैं और उससे हम लोग दूसरे को डराएंगे। और इसराइल एक ऐसा है, एक बहुत ही मतलब छोटा सा एग्जैक्टली 30 ग्राम का एक डिवाइस जो है वो पेजर ऐड किया था, जिसके वजह से 3000 जो हिजबुल्ला है उन लोग के ऊपर ये अटैक कर पाया। वो घर बैठे बैठे अपने तरफ से सिर्फ बटन दबाया, ना कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ज़रूरत हुआ, ना कोई न्यूक्लियर बम या फिर कोई केमिकल बम। आगे जाके उन लोगों के जो दुश्मन थे मतलब हिजबुल्ला, उन लोगों के ऊपर अटैक हो गया। 3000 पेजर एक साथ पता है, ऐसा नहीं कि हर कोई अफेक्टेड है इनमें से। जो कोई भी पेजर जो बगल में रख के सोचिए कि कोई वॉशरूम में गया है या फिर कोई सो रहा है, तो वो पेजर अगर उन लोग के करीब में नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पेजर जो है वो ब्लास्ट किया है, 3000 पेजर ही ब्लास्ट किया है। मगर इनमें से कहाँ जाए राउंड अबाउट 180 से 200 जो पेजर के ओनर थे वो लोग बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि उन लोगों का जो पेजर है उन लोग के साथ में उस टाइम में नहीं था। तब ये पेजर अटैक एग्जैक्टली कैसे हुआ ये पहले हम लोग देखते हैं। इसराइल का जो टेक टीम है, नो डाउट वो लोग दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट है, और वो लोग हमेशा अपना दुश्मन का मोबाइल को ट्रैक करते हैं, बस किस लोकेशन पे है, कौन सा टावर यूज़ कर रहे हैं, कौन किसका एक्टिविटी है, ये सारा डेटा वो लोग हमेशा एनालिसिस करता रहता था, जिसके वजह से एक टाइम में हिजबुल्ला काफ़ी परेशान था। और हिजबुल्ला ये अपने तरफ से एक टाइम में ये मोबाइल यूज़ करना ही छोड़ दिया। जो भी लीडर्स हो हिजबुल्ला के कोई भी मोबाइल नहीं यूज़ करता था, वो लोग का कहना है कि भाई हम लोग मोबाइल यूज़ ही नहीं करेंगे तो हम लोग को कैसे ट्रैक करेगा। ऑन द अदर साइड हिजबुल्ला को ज़रूरत था अपने तरफ से कोई भी डिवाइस को यूज़ करके कम्युनिकेट करना। तो हिजबुल्ला ने क्या किया, रेडियो फ्रिक्वेंसी में रन होता है ऐसा डिवाइस ढूंढना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन लोग को जो मिला वो है पेजर। पेजर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें अगर आप चाहे तो कोई भी आप मैसेज जो है वो आप भेज सकते हैं, मगर इसमें क्या होता है, इसमें कोई लोकेशन ट्रैक नहीं होता, कोई सिम नहीं रहता, ये एक रेडियो टेक्नोलॉजी। जैसे कि हम लोगों का घर में रेडियो बजता है, जब रेडियो स्टेशन से वो वेव आता है तो वो हर जगह फैल जाता है, और हम लोग के पास जो रेडियो था वो कैच करता है, वो बस वो वेव को पकड़ लेता है और उस अनुसार हम लोग जो है गाना सुन पाते हैं। हम लोग के कार में भी तो ऐसे ही FM स्टीरियो लगा ही रहता है। तो वही सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पेजर रन होता है जिसमें रेडियो टेक्नोलॉजी है। तो अभी ये अगर रेडियो का वेव जा रहा है उसको कौन कैच कर रहा है, कहाँ कैच कर रहा है, उसका लोकेशन क्या है, ये ट्रैक करना मुश्किल या फिर नामुमकिन है। तो इसराइल अपने तरफ से बहुत कोशिश किया था मगर इसराइल इसमें कुछ तोड़ नहीं निकाला। तो इसराइल ने सोचा कि अगर हम लोग इसमें तोड़ नहीं निकाल सकते तो हम लोग को नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल क्या है भाई, हिजबुल्ला कहाँ से ये जो पेजर है वो खरीदता है? तो हिजबुल्ला अपने तरफ से ये जो ऑर्डर है ये ताइवान का एक कंपनी को प्लेस करता था, और हिजबुल्ला ये ऑर्डर प्लेस करने वाला था ताइवान का कंपनी को। ताइवान का एक कंपनी है अपोलो गोल्ड बोल के जो पेजर बनाता है, तो उन लोगों को हिजबुल्ला ने अपने तरफ से बोला कि भाई आप लोग हम लोगों को 3000 जो पेजर है वो बना के दे दो। वो बोला ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, हम लोग दे देंगे। ऑन द अदर साइड ताइवान का जो कंपनी है ये अपने तरफ से ये पेजर नहीं बनाया, ये एक दूसरा यूरोपियन कंपनी हंगरी का, उसको ये बोला कि भाई हम लोग आपको लाइसेंस देते हैं, आप ये पेजर बनाओ और उसके बाद हम लोग ये एक्सपोर्ट करेंगे। तो हंगरी का जो कंपनी था वो अपने तरफ से ये पेजर बनाना स्टार्ट किया, और ये इन्फॉर्मेशन इसराइल के पास था। इसराइल ने क्या किया, जब हंगरी से ये पेजर बन के हिजबुल्ला के पास आने वाला था उसी बीच में एक डिवाइस इसमें ऐड कर दिया। ये डिवाइस में PETN बोल के एक बारूद ऐड कर दिया गया जिसका वेट था सिर्फ 30 ग्राम। इससे ये पेजर का सिर्फ 30 ग्राम जो वेट है वो इंक्रीज हो गया। ऑन द अदर साइड वो लोग पेजर जैसे पैक था वैसे ही पैक करके आगे जाके हिजबुल्ला को सप्लाई कर दिया। अब ये डिवाइस में ये PETN जो है ये काम कैसे करेगा, इसके लिए इसराइल ने अपने तरफ से क्या किया, उसमें एक सर्किट ऐड कर दिया, जो सर्किट तभी ट्रिगर होगा जब अपने तरफ से इसराइल के जो बंदे हैं वो इसको ट्रिगर करना चाहेगा।
तो ये जो बात था, ये आपका बात था फेब्रवरी का, तो फेब्रवरी के टाइम में ये सब ऑर्डर प्लेस हुआ। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग अपने तरफ से प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करने के बाद ये सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन के बीच में ये सब हुआ, और उसके बाद ये जाके आया हिजबुल्ला के पास। अब हिजबुल्ला क्या किया, जब ये 3,000 पेजर उन लोगों को मिल गया, वो लोग बोला गया भाई बहुत खुश हो गए हम लोग का जो मतलब जितना भी सब कमांडर से लीडर से जो हाई रैंक पे उन लोग को हम लोग ये पेजर देंगे। साथ ही साथ ईरान के एम्बेसडर को भी ये पेजर दिया गया। ऑन द अदर साइड ये जो काम किया है, आप सोचेंगे कि भाई ये सारा काम तो मोसाद ही करता है। ये टोटल प्लानिंग में मोसाद सिर्फ एक पार्ट था, बाकी जो पूरा काम को प्लानिंग किया या फिर पूरा काम को जो एग्जीक्यूट किया वो है इसराइल का एक दूसरा ग्रुप जिसको यूनिट 8200 कहा जाता है। तो ये यूनिट अपने तरफ से पूरा ये प्लान किया, यूनिट 8200 का ये टोटल प्लानिंग था जिसमें मोसाद ऑब्वियसली अपने तरफ से भी हेल्प किया और ये सारा कुछ प्लान हो गया। तो आगे ये जो हिजबुल्ला के जितना भी मिलिटेंट्स थे, उन लोगों के जितना भी कमांडर्स थे या फिर जो हाई रैंक पे थे, सबके पास ये पेजर पहुंच गया। और इसराइल क्या किया, इसराइल चुपचाप बैठा रहा, इसराइल ने कुछ नहीं किया, इसराइल चुपचाप बैठा रहा। ऑन द अदर साइड हर कोई ये पेजर को यूज करने लगा, हर कोई खुश है कि भाई हम लोग के पास नया पेजर आया है, हम लोग कम्युनिकेट करेंगे, आगे जाके हम लोग को इसराइल के अगेंस्ट में अगर कोई भी मैसेज मिलता है तो उस तरह से हम लोग आगे जाकर उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी हम लोग का जो मतलब नेटवर्क है ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ही अच्छा हो गया। इस बीच में एक हिजबुल्ला के मिलिटेंट को लगा कि भाई ये पेजर में कुछ गलती है या फिर ये पेजर में कुछ घोटाला है, तो उन्होंने अपने तरफ से उनका जो सीनियर थे, उनका जो मतलब हिजबुल्ला के जो सीनियर कमांडर थे, उनके पास गए, जाके बोला कि सर देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, पता नहीं ये पेजर कैसे काम कर रहे या फिर क्या ये कुछ है। तो उसने देखा कि हाँ भाई क्या है दिखाओ, तो उन्होंने बोला देखो ये सब कुछ प्रॉब्लम लग रहा है हम लोग को पेजर में। तो बोला अच्छा 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 आपको कैसे, किसको पता, आपने किसको बताया? बोला नहीं मैंने किसको नहीं पता, मुझे लगा, तो मुझे लगा कि आपके साथ बात करना चाहिए तो मैं आपको बता दिया। अब वो जो कमांडर था हिजबुल्ला का वो था आपका मोसाद का एक एजेंट। तो उन्होंने क्या किया, जिसने कंप्लेन किया उसको मार दिया और बोला कि भाई इसराइल के अटैक में ये मारा गया है, इसराइल की तरफ से मारा गया है। और वो एजेंट अपने तरफ से एक नोटिफिकेशन भेजा मोसाद को कि भाई आप लोग जो बोल रहे थे कि आप लोग ये जो प्लानिंग किए हो इसमें अभी एक फॉल्ट दिखाई दे रहा है, कोई कोई जो पेजर है उसमें, जिसको लेके हो सकता है कि आगे जाके हिजबुल्ला अपने तरफ से कुछ तहकीकात करे, तो इससे अच्छा है कि आप लोग जल्दी इसको ब्लास्ट कर दो। ये बात था आपका जुलाई का। तो जुलाई में जब मोसाद को ये मैसेज मिला तो मोसाद अपने तरफ से चुप बैठा, वो लोग अपने तरफ से प्लानिंग किया कि भाई कब क्या होता है नहीं होता है। तो उन लोगों का मॉनिटरिंग में एक चीज़ निकल के आया, हमेशा हिजबुल्ला जो है वो दोपहर में 12 बजे से 4 बजे के बीच में हमेशा मैसेज भेजता है जिसमें वो लोग कहते हैं कि उन लोग का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है और ये पेजर को उस टाइम में यूज़ होता है। तो इसराइल ने अपने तरफ से सितंबर 17 का डेट सिलेक्ट किया और ठीक लोकल जो टाइम है वो 3:30 का टाइम था, उस टाइम में ये पेजर बज उठा। अब हर कोई सोचा कि भाई ये पेजर बज उठा एग्जैक्टली क्या हुआ, हर कोई अपने किसी के पॉकेट में था, किसी के मतलब शर्ट के पॉकेट में था, पैंट के पॉकेट में था, तो कोई कोई है कि अपना हाथ से सोचा कि भाई कोई मैसेज आया है हम लोग के जो सुप्रीम लीडर है उनके तरफ से, तो चलो मैसेज पढ़ना चाहिए। तो हर कोई अपना पॉकेट से वो पेजर निकला और 5-10 सेकंड के बाद वो पेजर फट गया। अब कैसा फटा, ऐसा फटा कि किसी का आंख निकल आया, किसी का हाथ अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया, बहुत किसी का डेथ हो गया इस पेजर अटैक में। बाकी जो इंजर्ड है उन लोगों का हालत ऐसा खराब हुआ कि जिंदगी भर अगर वो लोग को जीना है तो किसी का सहारे उन लोगों को अपना लाइफ जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये अटैक होने के बाद हिजबुल्ला को पूरा डर लग गया कि भाई हम लोग कम्युनिकेट कैसे करेंगे। आगे जाके उन लोग को देखने को मिला जो भाई जो वॉकी टॉकी है वो भी बास्ट करने लग रहा है। ऑन द अदर साइड वो लोग हमेशा अपने तरफ से जो पावर है उसके भरोसे बैठता नहीं है, अपने तरफ से वो लोग डिफरेंट लोकेशन में अगर उन लोग को पावर यूज करना चाहिए तो वो लोग अपने तरफ से जो सोलर है इक्विपमेंट वो लगाता था, तो वो सोलर भी फट गया। तो अचानक से उन लोगों को डर लग गया कि भाई पानी पीने जाएंगे, हो सकता है कि ये लोग बोतल में कुछ कर दिया वो बोतल भी फट जाएगा। तो घर में जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस था सब उठा के वो लोग बाहर फेंक दिया कि कब को या फट जाए किसी को पता नहीं। अब हिजबुल्ला ने जिन लोगों को अपने तरफ से ये पेजर दिया था, हर किसी की पेजर जो है वो अपने पास नहीं था, उनमें से बहुत कोई है जो वॉशरूम गया था, उनमें से बहुत कोई है जो ये पेजर साइड में रख के सो रहा था, तो वो लोग बच गए। ऐसा नहीं कि पेजर बच गया, पेजर में तो 100% ब्लास्ट हुआ, ये जो डिवाइस लगा था ये 100% सक्सेसफुल हुआ, एक भी पेजर ऐसा नहीं था जो बच गया, सारा पेजर जो है ब्लास्ट हुआ। अब जिन लोगों के पास में ये पेजर नहीं था वो लोग अपने तरफ से बच गए, आके जाके उन लोगों में डर घुस गया कि भाई कब क्या होगा कुछ पता नहीं। वो लोग इंस्टीड ऑफ पेजर जब वॉकी टॉकी को यूज करने लगा तब वो भी ब्लास्ट हो गया। इसके बाद वो लोग देखा कि घर के छत में सोलर ब्लास्ट हो रहा है, तो हिजबुल्ला में एक आतंक फैल गया कि भाई कब क्या ब्लास्ट होगा किसी को पता नहीं। ऑन द अदर साइड इसराइल ने अपने तरफ से ना कोई न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया, ना कोई केमिकल बॉम्ब यूज किया, ना कोई ऐसा जगह उन लोग अटैक किया जो रेसिडेंशियल है या फिर जो नॉर्मल सिटीजन्स रहते हैं, ये सब बिना किए इसराइल अपने तरफ से जो हिजबुल्ला के कमांडर्स से जो लीडर्स से उन लोग का हायरकी में जो
ऊपर पोजीशन में रहते थे, हर किसी पे उन लोगों का ही यूज़ किया जो वेपन है, जो वो लोग सोचे थे कि भाई हम लोग के पास पेजर होगा तो उसमें हम लोग मैसेज जो है वो सर्कुलेट करेंगे, आगे जाके वो इसराइल के अगेंस्ट में यूज़ होगा, उसी को यूज़ करके हिजबुल्ला का ये 3000 पेजर जो है ब्लास्ट करवा दिया, और उनका जो एनिमी था उन लोगों को एकदम मतलब चकमा चका दिया कि भाई ऐसे अटैक कैसे होता है। तो अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि हिजबुल्ला भी क्या कर रहा है, हो सकता है कि हिजबुल्ला वही कबूतर जा वो कर रहे, या फिर ऐसा कुछ स्टेप ले रहा है हिजबुल्ला अपने तरफ से, या फिर हिजबुल्ला बोल रहा है कि भाई हम लोग माउथ टू माउथ मतलब हम लोग किसी को बोलेंगे फिर वो जाएगा, फिर वो जाके किसी को बोलेगा, ऐसे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे। मगर ऐसा इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर करके क्या आपको लगता है कि इसराइल के अगेंस्ट में कोई लड़ाई जीत पाएगा? प्रेजेंटली हम लोग देखे गाजा का क्या हालत हुआ, हमास का क्या हालत हुआ, अभी हिजबुल्ला का भी यही हो रहा है। ऑन द अदर साइड इन फ्यूचर इसराइल का जो टारगेट होगा वो होगा वेस्ट बैंक, तो नो डाउट इसराइल जो है इसराइल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसराइल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो लोग का जो सोच है वो काफ़ी एडवांस है। आज के डेट में अगर हम लोग हमास को देखें, हिजबुल्ला को देखें, तो कोई भी ऐसा सोच नहीं रखता, या फिर उन लोग के पास इस लेवल पर टेक्नोलॉजी नहीं है। तो होपफुली इसराइल का जो ये वॉर है इतना जल्दी थमने वाला नहीं है। आगे यूएस का इलेक्शन है, यूएस का इलेक्शन का इफेक्ट इसमें आ सकता है। अगर ट्रम्प आता है तो ट्रम्प तो पहले से बोल के रखा है कि भाई हम लोग इसराइल जो है बहुत छोटा है, इसको और भी बड़ा होना चाहिए। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो बिडेन का गवर्नमेंट है ये तो सपोर्ट कर रहा है। अगर कमला हैरिस आ जाता है हो सकता है कि उसका कुछ दूसरा व्यू रहे। तो जो भी हो इसराइल प्रेजेंटली अभी थमने वाला नहीं है, और ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट हो सकता है हम लोग को इन फ्यूचर देखने को मिलेगा। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या राय है? अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU PAUL को जाकर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोज आपको वहाँ मिलने वाला है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुँचता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का रोजी रोटी चलता रहता है, और जब भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियोज डिफरेंट टाइम में आता है मगर नोटिफिकेशन आपके पास इंस्टेंट पहुँच जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।